मोदी जी, मुंबई पहुंचकर भूल नहीं जाना अब हमें। वो फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर दिए हैं, जरा एक्सेप्ट कर लीजिए आप। और जरा घी तेल कम खाइए। अरे 6 दिन से आपको पीठ पे उठा के घूम रहा हूं मैं, कमर दर्द कर रही है मेरी। अब तो हालत ये हो गई है कि मुझे किसी पिट्ठू की सवारी लेके घर जाना पड़ेगा। आप बस आशीर्वाद दीजिए। जय बद्री विशाल जी। हेलो। अरे अरे क्या, वोडाफोन वाली आंटी कब से पूछ रहे हैं आपसे, व्यास जी का पता दे दीजिए ना हमें। अच्छा ठीक है ठीक है, आपको नहीं बुलाएंगे आंटी। नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपके अकाउंट में हर महीने अगर कोई पैसे डालता हो और आपको उसको पैर छू के आशीर्वाद देने का मौका ना मिले तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा ना। हाँ तो इसलिए तो आपसे पता पूछ रहे हैं हम। अगर आप पता दे देंगी तो उनसे मिल लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे और आपका भी तो प्रमोशन हो जाएगा ना, है ना। हेलो हेलो हेलो, तो फोन ही काट दिया अभी। क्या है ना कि सवारी उठाकर तो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध हो ही जाता है, लेकिन व्यास जी का तो बहुत बड़ा उपकार है हम पर, लेकिन ये वोडाफोन वाली दीदी नंबर नहीं दे रही है हमें। लेकिन हम नंबर लेकर छोड़ेंगे या पता लेकर निकालेंगे उनका। अरे भैया आइए आइए आइए, अम्मा जी आइए आइए आइए। कहाँ अम्मा जी? बद्रीनाथ। हाँ तो अरे पैसे का क्या है अम्मा जी, पैसे बाद में कर लेंगे। भैया लाओ जरा अम्मा को, बिठाओ हमारी पीठ पे। ये देखिए, व्यास जी का हमने नाम लिया और सवारी मिल गई। हाँ भैया बैठिए, लाइए। जय बद्रीनाथ।